प्रदेश में निकायों में परिसीमन कर वार्डों की संख्या बढ़ाए जाने के फैसले का बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। जी हां, बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राजनीतिक फायदे के लिए असंवैधानिक तरीके से निकायों में परिसीमन करने जा रही है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बाद कांग्रेस पार्टी निकाय में अपनी मनमर्जी से संख्या बढ़ाकर जीतने के सपने संजो रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बिना किसी आधार पर निकायों में पुनर्गठन किया जा रहा है और ये हमारी समझ से परे है। सरकार के इस फैसले का भाजपा सदन से लेकर सड़क तक विरोध करेगी। सोचताओं की जो मेरा अब तक का ज्ञान है उस हिसाब से सीमांकन को कम और ज़्यादा करना चुनाव आयोग का ही दिशा निर्देश के आधार पर होता है। कोई न कोई जनसंख्या का आधार बनता है। अगर 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया है तो वो कब किया है? 2011 की जनगणना आ गई उसके आधार पर परिसीमन का कोई ऑर्डर निकाला है तो वो ना जी। और एक में ही वार्ड बढ़ेंगे ये बात बिना किसी आधार के हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ कितने होने हैं, कोई न कोई ऐसा आधार तो आना चाहिए। तो जनसंख्या का अगर आधार था तो उससे आना चाहिए। राजस्थान में 193 नगर पालिका में सब में ही वार्ड बढ़ेंगे, इसका आधार हमारी समझ से परे है। मैं सोचता हूँ वो केवल और केवल पॉलिटिकल ही बनाना चाहते हैं तो बनाए, कोई ऐतराज की बात नहीं लोकतंत्र में। लेकिन ये प्रक्रिया कानून के तहत अगर की जाती तो ये तकलीफ नहीं होती, और कानून के तहत नहीं है तो फिर से शांति से बैठ के विचार